अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है अपनी माँ से जिना कौन करता है। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। मैं आपको बताता हूँ कि अपनी माँ से जिना कौन करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 70 गुनाह हैं, उनमें से अदना ऐसा गुनाह है जैसे कोई शख्स अपनी माँ से जिना करे। एक और हदीस है इब्ने माजा में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जनाब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद की बुराई के 70 दर्जे हैं, जिसमें सबसे कम दर्जा ऐसा है जैसे कोई शख्स माज़ अल्लाह अपनी माँ से बदकारी का इर्तिकाब करे, यानी जिना करे। जो लोग सूद देते हैं, लेते हैं, सूद का काम करते हैं, तो सरकार ने सूद के गुनाहों में से एक अदना सबसे छोटा मामूली सा जो गुनाह बताया है वो यही गुनाह बताया है कि अपनी माँ से बदकारी का इर्तिकाब।